19-year-old Aman, a first-year medical student at the Rajendra Prasad Medical College in Himachal Pradesh's Kangra, died in March last year after he was brutally beaten up by four of his seniors. The four students were charged with culpable homicide, not amounting to murder. अमन रैगिंग की वजह से परेशान था और कई बार उसने कॉलेज प्रशासन से रैगिंग की शिकायत भी की, लेकिन कॉलेज प्रशासन रैगिंग से इनकार करता रहा, यहाँ तक कि अमन की हत्या को आत्महत्या बताया। Justice for Aman would mean the day when there is an eradication of ragging, and for that the government of India has to also take an important part, and I'm sorry to say that that has not been very successful in that sense. We have not done a great job in that sense. Court is to give its judgment on the bail application of the four students accused of beating Aman Kachroo to death. The Himachal Pradesh High Court has cancelled the bail for all four boys accused of ragging and causing the death of Aman Kachroo. Aman Kachroo succumbed to ragging injuries 1 week ago, and now his family wants to ensure that such incidents never happen again. They've started a movement and they want your help. नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस लीगल शॉट्स के इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम ट्राई करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई बड़ी शख्सियत को बुलाएं, तो आज हमने एक ऐसे मानजीत माउंटेन मैन को बुलाया है जो निकल पड़ा है उस यात्रा पे कि जो उनके बच्चे अमन के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जी हाँ, आज हमने बुलाया है राज कचरू जी को, जिन्होंने 2009 में अपने बेटे को रैगिंग के कारण खोया था और उसके बाद से उन्होंने 10 दिन के भीतर एक ऐसा सिस्टम डिवाइस को मैकेनिज्म को बना लिया कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो, और उन्हीं के मेहनत का नतीजा है कि आज इस देश में रैगिंग 40% से 4% तक आ चुकी है। तो हम स्वागत करते हैं उनका, जिन्होंने इस देश में एक नई अलग जगाई। आज हम आपको उनसे मिलाएंगे और बताएंगे कि उन्हें ये प्रॉब्लम कैसे फेस करनी पड़ी, क्या उनको कोई सपोर्ट मिला, कैसे उन्होंने ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट की जर्नी उन्होंने तय की, उन्हें किस तरह का जुडिशरी से सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, और अब वो क्या कर रहे हैं, और उनका स्पेशल मैसेज उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। नमस्कार कचरू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन की पहली किताब ही रैगिंग इशू पर लिखी थी, और उस रैगिंग इशू का जो मुद्दा उठा था वो कहीं ना कहीं राज कचरू जी से जुड़ता है, और तब से मेरा आपसे जुड़ाव है। तो मुझे कब से इस मोमेंट का वेट था कि कब मैं आपको बुलाऊं और दर्शकों से आपको रूबरू कराऊं, ताकि हम दर्शकों को बता सके कि रैगिंग कितना बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता है किसी के जीवन में, जो पूरा के पूरा जीवन बदल देता है। तो उसी से मेरा पहला सवाल कचरू जी आपसे आएगा। मैं जानता हूँ उस दर्द को मैं वापस नहीं लाना चाहता, लेकिन अगर मेरा पहला क्वेश्चन उसी पे है, और बस मैं एक ही बात उससे जानना चाहूंगा, हुआ क्या था अमन के साथ, कैसे आपको पता लगा, वो अगर आप थोड़ा इंसिडेंट हमें बता सकें सर। एनीवे, थैंक यू अमन जी, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी, मुझे याद करने के लिए। वो इंसिडेंट 2009 में हुआ था। मैं यहाँ था भी नहीं, मैं तो तंजानिया में था, जब मुझे एक फोन कॉल मिला कि माई सन इज नो मोर, और उस वक्त समझ में भी नहीं आया हुआ क्या था। बाद में पता लगा कि उसको रैगिंग का शिकार हो गया था। रात में कुछ लड़के लोग दारू वारू पी के आए थे उसके हॉस्टल में। वो अकेला नहीं था, 4-5 लड़कों को लाइन से खड़ा कर दिया, नींद से उठाया और उनको लाइन से खड़ा कर दिया, और उनसे उल्टे सीधे काम जो होते हैं वो करवा दिए, या बोल दिया लाइन से बैठो। और फिर गुस्से में आके किसी ने उसको धक्का दे दिया, उसका सिर दीवार के साथ लग गया होगा बड़ी जोर से, एंड ही गॉट अ हैमरेज, नेक्स्ट डे ही डाइड। तो ये यही एक इंसिडेंस है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सो उससे पहले, उसके बाद तो हर एक फैमिली, जिस फैमिली ने ये देखा है कि उनके यंग बच्चे या फैमिली मेम्बर्स का देहांत हो जाता है, सो इट इज़ अ ट्रॉमेटिक थिंग। तो हमारी भी बस जिंदगी बदल गई उसके साथ साथ ही। उसके बाद हम इन्वॉल्व हो गए इसमें रैगिंग के, हालांकि हमें मालूम नहीं था जब पहले कि ये इतनी डेंजरस सिचुएशन पे पहुंचा है। हमें भी, सब लोगों को लगता था कि ये कोई मजाक है, खेल है, बच्चे करते हैं, वो भी है, लेकिन इसका बहुत भयानक रूप भी है, और जो कि उन्हीं लोगों को मालूम होता है जो कि इन्वॉल्व हो जाता है इस रूप में। जब अमन का देहांत हो गया इस रैगिंग के चक्कर में, तो फिर हमें समझ में आने लगा कि ये कितने फैमिलीज बर्बाद हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, और कई बच्चे रैगिंग के एक्सीडेंट में मरते हैं, और उनको भी बोला जाता है उन्होंने भी सुसाइड कर दिया। कई तो सच में ही सुसाइड करते हैं, और कई मरते हैं, उनको फिर रैप अप किया जाता है कि ये सुसाइड कर दिया। और कई जो है बड़े डिफॉर्म्ड होते हैं, बड़े डिफॉर्म। अभी भी मैं दो लोगों से, एक दिल्ली में है और एक असम में है, कितने साल तक वो डिफॉर्म्ड ही रहते हैं। मेंटल ट्रॉमा होता है इतना, कॉलेज वालेज तो छूट ही जाता है उनसे, और कॉलेज छोड़ने के बाद भी उनकी ज़िंदगी सही नहीं होती है। तो ह्यूज लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा है, बहुत सालों से आता हुआ है, इस मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो चुका है, और उनकी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस भी कम जाती है। तो लोग, मैं हर वक्त बोलता था, यहाँ जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे बोलता था आप ये मत सोचिए कि ये रैगिंग जो है एक वायलेंस है और एक क्राइम है। तो है ही, वो तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यू सी द इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस नेशन। जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है हमारा, जो इज द ब्राइटेस्ट वर्कफोर्स, और जो जितने ब्राइट लोग होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उन्हीं को आप डिफॉर्म कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग। सो दिस प्रोसेस जो है, ये बहुत ही एजुकेटेड लोगों को, उनका कैपेसिटी रिड्यूस करता है, उनका क्रिएटिविटी ख़त्म करता है। ये जो क्रिएटिविटी जो ख़त्म करने का तरीका है, ये दिस इज़ ए स्टेट सैंक्शन और सोसाइटी सैंक्शन मेथड। सोसाइटी एक मेथड बनाया है कि क्रिएटिविटी को दबा दो। तो ये नेशन बिल्डिंग के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं। वायलेंस तो है ही, फैमिलीज तो बर्बाद हो ही है, लेकिन फॉर अ नेशन ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बिकॉज जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सेंसिटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव हो सकते हैं, उनकी पूरी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है ये चीज़। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सोसाइटी ने अभी इसको इतनी सीरियसली से देखा नहीं, लेकिन है बहुत बड़ा सीरियस मामला। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं हर वक्त ही लोगों को बोलता हूँ कि हमारे कॉलेजेस में करीब 25 मिलियन स्टूडेंट हैं। 25 मिलियन स्टूडेंट तो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ के पॉपुलेशन नहीं होते। सो वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन इन कॉलेजेस। 50,000 कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में। 50,000 कॉलेजेस में करीब 20 से 25 मिलियन बच्चे हैं। तो ये इतना बड़ा पॉपुलेशन का अगर आप मेंटल स्ट्रेस है या उनका प्रोडक्टिविटी अगर 5% भी कम हो गया, तो देखिए हिंदुस्तान को प्रोडक्टिविटी में कितना नुकसान होएगा। तो समझ पा रहा हूँ सर मैं। पर एक बात जब उठती है कि जब अमन का इंसिडेंट आपको पता लगा, तो पहला सवाल आया होगा कि क्या कॉलेज को इस बात के बारे में पता नहीं था? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है, जैसा कि हम भी सुनते आते हैं कि सबसे ज़्यादा रैगिंग अगर इस कंट्री में होती है तो मेडिकल कॉलेजेस में होती है। तो गलती थी मेडिकल कॉलेज की भी? क्या उन्होंने रोक नहीं लगा पाए, या उनको पता भी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि थानेदार को सब मालूम होता। तो मेडिकल कॉलेजेस है या इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई कॉलेज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो नहीं होगा, और अगर वो डील दे देते हैं तो वहाँ होगा। ये तो फंडामेंटल ही है कि मैंने बोला कि एक कैंपस है, क्लोज सर्किट है, ये तो नहीं है ना पब्लिक है, एक कैंपस क्लोज जगह होती है, और जो वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, जो कॉलेज अथॉरिटीज है, उनके सैंक्शन के बगैर ये नहीं हो सकता। ये डिलिबरेट सैंक्शन हो या पैसिव सैंक्शन। पैसिव मतलब नजरअंदाज कर दिया, चलने दो यार, ये छोटा मोटा कुछ चलता रहता है, ये सालों साल आता है, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन। तो वहाँ ये बनना होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, बहुत ही, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, नटोरियस था हिंदुस्तान में रैगिंग के लिए। वहाँ तो कितने बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाते थे, इट वॉज लाइक ए टॉर्चर कैंप। तो वहाँ एक वाइस चांसलर साहब आए, उसने कहा आज के बाद बंद होगा, तो बंद हो गया। बड़ी मुश्किल उसको लगी, बड़ा रेजिस्टेंस मिला, बहुत लोगों ने तंग किया, बट ही वॉज डिटर्मिन्ड कि यहाँ नहीं होगा आज की बात से, तो नहीं हुआ। तो अमन के कॉलेज में आई 100% ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन देयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। अनडाउटेडली द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रेस्पॉन्सिबल। मैंने तो एक बार किसी को बोला भी था, उस जमाने की बात है, अब तो 10 साल हो गए, मैंने बोला था ये बच्चों से ज़्यादा यू शुड पनिश द एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिन्होंने अलाउ किया बच्चों को भी, अमन को भी, पर उसकी तो जिंदगी निकाल दी, और जो बच्चे जेल में जा रहे हैं उनको भी जिम्मेदार उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, तो पनिश तो उनको करना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनको पता है कि इसकी सिवियरिटी क्या है, और ये जानने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं करते। ये नेग्लिजेंस है, उनकी जिम्मेवारी है। राइट। जब हम कोर्ट में गए, मैं आपको ये पता नहीं, ये सवाल प्रीमेच्योर तो नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, जब मैंने वेंट टू द कोर्ट, तो जस्टिस अरिजीत पसाया थे, तो उसने बोला, जो गवर्नमेंट के वकील थे, उनको बोला भाई हमारे पास 40,000 कैंपस हैं, तो 40,000 कैंपस में अगर आप अपने गवर्नमेंट से पूछिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी नहीं लेगी तो तब हम एक एक पुलिस चौकी हर कैंपस में लगवा देंगे। Right. किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर पुलिस भी नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके कैंपस में आ नहीं सकता, तो आप कहेंगे हमारी भी जिम्मेवारी है, तो उसका मतलब है 40,000 अनलॉफुल प्लेसेस होंगे क्या हिंदुस्तान में? मैं आपकी इसके बारे में बात करूंगा, आपके सवाल जब इसके रिलेटेड हो। मेरा सवाल अब उसी पे आ रहा है, आपने जैसे जुडिशरी का नाम लिया, ये इंसिडेंट हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद एफआईआर दर्ज से कुछ काम नहीं होता है। एक विक्टिम की फैमिली को असली पीड़ा तब होती है जब वो मैटर कोर्ट में जाता है, उनको बहुत पुश करना पड़ता है कि जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिले। उस अगर कानूनी लड़ाई के बारे में अगर आप बता सके, ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, क्या आपको दिक्कतें सामना करनी पड़ी, और क्या आपके साथ वो गुजरी थी उस समय? यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, आपने पूछा। पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा, और मैंने उनको बोला कि मैंने तो कानूनी लड़ाई लड़ी ही नहीं, नीदर वॉज आई इंटरेस्टेड। जब अमन का किस्सा होगा तो उस वक्त मैंने ये तय किया कि मेरा आइडिया ऑफ जस्टिस इज़ डिफरेंट। आपने बोला अभी निर्भया की माताजी आपके पास आई थी, या बहुत लोगों के जो क्राइम होते हैं उनके परिवार के लोग बहुत परेशान होते हैं, को एक तारीख से दूसरे तारीख से दूसरे तारीख से दूसरे तारीख से, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन मेरा सोच थोड़ा सा अलग है, और अभी भी है, उस वक्त भी था, अभी भी है। आई बिलीव कि सिस्टम रिफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वो 4 लड़कों को जिन्होंने अमन के साथ ये किया, अगर मैं लड़ूंगा और परेशान हो जाऊंगा तो उनको 4 साल के बदले 10 साल की पनिशमेंट करवा दूं, या पूरा जेल में ही रखवा दूं, उससे मेरी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन उससे दूसरे किसी बच्चे की जान नहीं बचेगी। तो जिस दिन ये हुआ, ये 9 मार्च को समझ लीजिए, 8 मार्च को हुआ था, तो विदिन 4 डेज, ये मुझे समझ नहीं आता है, अभी भी मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे पास ये ऐसी एनर्जी आई कैसे कि 4 दिन के अंदर आई डिज़ाइंड ए सिस्टम जिससे ये रैगिंग का मसला ही ख़त्म हो जाए। आई रिमेंबर उसका 10वां भी नहीं था, हुआ था कि जब मैंने बैठ के ये पूरा ही एक डिज़ाइन किया कि हम हिंदुस्तान में रैगिंग को कैसे ख़त्म करें। तो मेरा जो कंसंट्रेशन रहा ट्रायल कोर्ट के पीछे के बदले में, आई स्पेंड टाइम विद द सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेशन और लॉ और यूजीसी और एआईसीटी। तो पहली बार मैं प्रेजेंटेशन किया 13 अप्रैल को, एक महीने के बाद, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, कि भाई ये है, और जो भी वकील जो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में हाउ वी डिड दिस। तो मेरा फोकस ट्रायल कोर्ट में नहीं रहा, हालांकि मुझे मालूम था कि ट्रायल कोर्ट प्रक्रिया चल रही है, बट मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, ना मेरी किसी फैमिली मेंबर ने दे दिया। वो ट्रायल कोर्ट इज बिटवीन जो एक्यूज्ड हैं और जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है, वो कर रहे थे। मैंने सोचा मेरा टाइम, इससे कुछ नहीं होएगा कि उन लोगों को मैं और सज़ा दिलवा दूं। फॉर मी दैट इज नॉट जस्टिस। तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। वैसे तो जब किसी के परिवार के साथ गुजरती है तो वो इंसान में एक प्रतिशोध की भावना आती है, वो ये सोचता है कि मैं जाऊं और जिसने मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ किया मैं उससे जाके बदला लूं, उसको सजा दिलाऊं कड़ी से कड़ी। इससे ऊपर उठकर ये सोचना कि जो मेरे अमन के साथ हुआ और किसी के बेटे के साथ ऐसा ना हो, ये जो आपने मुद्दा उठाया सर ये वास्तव में काबिल तारीफ है। Disgraceful, humiliation, menace for the society, blackmailing, hampers dignity, kills confidence, not fun, physical torture, or on a student life, psychological torture. Ragging is a murder, terrorism in college. It shows how barbaric we are in our very nature. In the name of ragging, in the name of breaking the ice between the senior and the junior, people cross their limits and go to any extent. It's high time that we stop using it as an excuse to interact with others. और यहीं से मैं अपना एक अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। उस दिन आपने एक अमन मूवमेंट की जो घोषणा की थी कि मैं अमन मूवमेंट चलाऊंगा और इस देश में कोई बच्चा वापस दूसरा अमन ना बन जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, वो क्या अमन मूवमेंट था? आज आप वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है और आप कैसे लोगों की उसमें आप सहायता करते हैं? अगर आप उसको डिटेल में बता सके तो शायद हमारे दर्शकों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। सर देखिए, अमन मूवमेंट तो स्पर ऑफ द मोमेंट, उस वक्त नाम किसी ने बोल दिया कि हम इसको अमन मूवमेंट नाम रखेंगे, तो नाम लग भी गया, वही तब से चले आ रहा। लेकिन इसका मुद्दा ये था, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो अमन के साथ हुआ वो दोबारा यहाँ किसी फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो करना है कि ये एक प्लान बनाना है जो कि रैगिंग को कॉलेजेस से इराडिकेट करते, ख़त्म करते। और ये अकेले एक आदमी के बस का नहीं। इसमें मान लीजिए 50,000 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, 13-14 करीब 15 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, AICTE है, बार काउंसिल है, जहाँ जो कॉलेजेस के साथ हैं। उसके बाद कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कनेक्टिविटी रख चाहिए, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है पहले, कि वो एक ही बात करें। और उसके बाद एक बात करके बाद उसके बाद उनके पास एक रेगुलेशन होना चाहिए, सिमिलर रेगुलेशन, जो कि एक जगह एक कॉलेज महाराष्ट्र में है, एक कॉलेज जम्मू में है, एक कॉलेज पुणे में है, एक कॉलेज असम में है, तो उनके पास भी सिस्टम सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पर पेरेंट्स को लाना है। मैं पेरेंट्स पर इसलिए ध्यान देता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जिम्मेवारी जितनी कॉलेज की है उतनी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को ये नहीं देखना है कि बच्चे का रैगिंग हो रहा, पेरेंट्स को कम से कम अवेयर होना चाहिए कि ये हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। बहुत पेरेंट्स को यही नहीं मालूम कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है, तो क्या हो सकता है। मैं खुद बताऊंगा, आपना मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक बच्चे को कॉलेज अथॉरिटीज़ या किसी के भरोसे वहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी और केयरफुल नज़र रखनी पड़ेगी। सो पेरेंट्स को एजुकेट करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो आप कर रहे हैं काम, ये पेरेंट्स को एजुकेट करने का काम है। बच्चों को तो मालूम है, वो तो फेस करते हैं इस चीज़ को, लेकिन पेरेंट्स को नहीं मालूम होता। और पेरेंट्स हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर, और कॉलेज अथॉरिटीज हैव आल्सो टू बी अवेयर। सो जब हमने ये प्लान बनाए तो वी सेड कि वी नीड 3-tier सिस्टम। सबसे पहले एक कॉल सेंटर है जो 24 घंटा चलता है, तो वो एक्चुअल जो कंप्लेनेंट है, जो एक्चुअली किसी के साथ रैगिंग होता है, वो फटाफट कॉल सेंटर में फ़ोन कर सकता है और इमीडिएट हेल्प उसको मिल जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाएगा, पुलिस को बताया जाएगा, तो दैट इज़ ए रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ। उसका टेलीफोन नंबर है 1800-180-5522। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ोन नंबर है और 24 घंटा चलता है। एंड ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। ये कॉल सेंटर नहीं है, कॉल सेंटर भी है, लेकिन ये जो टिपिकल कॉल सेंटर के जैसा नहीं है। इस पे जो है फॉलोअप होता है और बच्चे को मालूम रहता है, वो अपने वेब पे जाके देख सकता है कि उसके कंप्लेंट में क्या क्या हुआ, किस किस की मदद चाहिए, किसने क्या बोला, वो बोल सकता है ये सही है गलत है जो भी है। पूरा ही पार्टिसिपेशन जो है कंप्लेनेंट जो बच्चा है उसकी पार्टिसिपेशन होती है। तो ये शुरुआत है, लेकिन ये इमीडिएट रिलीफ है, लेकिन ये जो है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है कंप्लायंस जो भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाए हैं, जैसे कि आप कॉलेजेस में देखेंगे कि हर कॉलेज में एक बोर्ड लिखा होगा कि यहाँ रैगिंग अलाउड नहीं है, ये फ़ोन नंबर है इसको करिए, यहाँ फ़ोन करिए, ये एंटी रैगिंग कमेटी है। तो ये कंप्लायंस है। पहले सालों में नहीं होता था कंप्लायंस, रूल्स बनाए जाते थे, लॉज बनाए जाते थे, लेकिन कोई पूछता नहीं। तो हमने ये एश्योर किया कि हम 50 के 50,000 कॉलेजेस के फोटोग्राफ्स हमारे पास होने चाहिए कि इन्होंने कंप्लायंस किया है, पोस्टर लगाया है, कमेटी है, कमेटी का गठन किया है, कमेटी के फ़ोन नंबर है। तो उससे भी एनवायरनमेंट बनता है कैंपस में, ये माहौल बनता है। माहौल बनाने की बात होती है कि भाई ये मामला अब सीरियस है, गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये स्टेप नंबर 2 था हमारे प्लान का। और स्टेप नंबर 3 जो हमारे प्लान का था was to create awareness amongst the parents and get parents associated। तो अभी जो है हर एक कॉलेज में जब भी एडमिशन होता है तो we created this idea of affidavit, online affidavit, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये एफिडेविट नहीं है कि अगर किसी ने बोला कि मैं नहीं करूँगा या फिर वो करेगा तो क्रिमिनल नहीं है या नहीं है। लीगल सिस्टम्स में तो आपको मालूम है, यू आर अ लॉयर, इस एफिडेविट का कोई खास वैल्यू होता नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस का टूल है। हमने जब सभी बच्चों को बोला कि आप माँ बाप से इस एफिडेविट पर दस्तखत करवा लीजिए, या बाप से या माँ से या दोनों से, और खुद करिए, तो इससे क्या है कि एक डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स का, और हम उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि ये भी कोई चीज़ है कि आप अपने ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 टियर का सिस्टम है। एक तो कंप्लायंस है, एक इमीडिएट रिलीफ है, और एक जो है ये पेरेंट्स में जिसको हम कम्युनिकेशंस बोलते हैं, कम्युनिकेट करना है मासेस के साथ। तो ये 3 टियर का सिस्टम जो है ये हमने बनाया, उसके बाद इसको डिज़ाइन किया, उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर भी हमने लिखा, बिकॉज हमारा ट्रस्ट तो इज़ अ टेक्निकल कंपनी, एंड तब से हम इसको चला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में। राइट, वी वर्क इन अ पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस इतने 10 साल में, जब 2009 में था तो कुछ अलग अलग सर्वेज हुआ करती थी, तो वो बोले थे, उन सर्वे से पता लगता था कि करीब 40% बच्चे रैगिंग एक्सपीरियंस करते थे 2009 में, ऑन एन एवरेज 40%। बहुत हाई नंबर है। सभी सीवियर नहीं होता, सीवियर रैगिंग एक चीज़ है, वो सामान के साथ वो सीवियर रैगिंग तो 40 के 40% के साथ नहीं होता था, वो 2%, 3%, 5% होता था। लेकिन माइल्ड से सीवियर तक मिला के 40% लोग एक्सपीरियंस रैगिंग करते थे। दैट नंबर हैज कम डाउन नाउ टू लेस देन 4%। हम हर साल 20-25-30 लाख बच्चों का सर्वे करते हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वे। 2 साल से नहीं किया, तो जो लास्ट सर्वे था वो करीब 20 लाख स्टूडेंट का था, 5000 कॉलेजेस में था, एंड द नंबर वाज लेस देन 5% उस वक्त 2018-19 में। सो इट्स अ मेजर अचीवमेंट, एंड मैनी स्टेट्स, मैनी कॉलेजेस आर रैगिंग फ्री नाउ। तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है उस मामले में, और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हुआ है इस प्रोग्राम में। ओके, सो दिस हैज बीन सक्सेसफुल। एक हिसाब से इजी भी है, बिकॉज ये सब कंटेंड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, यू आर डीलिंग विद एन एजुकेटेड मास सिर्फ, और पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं मोस्टली। तो इट वाज इन दैट सेंस ए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रैगिंग इज इन कंट्रोल। अभी हार्डकोर स्पॉट्स हैं, हमें मालूम है कि कई वेस्ट बंगाल में कोई कॉलेजेस हैं, उड़ीसा में कई कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में कहीं है, पंजाब में, हमें मालूम है, एमपी में है, रेवा है, ये कुछ कुछ स्पॉट्स जो है मालूम है हमें कहाँ कहाँ अभी भी डेंजर है, लेकिन बाय एंड लार्ज रैगिंग हैज बीन एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर 40% से 4%, आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। और हम वो मूवी देखते हैं मांझी की, जो एक अकेला पर्सन निकल पड़ता है पहाड़ तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही मैं रूप देखता हूँ आप में, कि आप भी एक अकेले पर्सन जो पूरा काफिला लेकर चले और रैगिंग के जो एक महान सा पहाड़ था उसको आपने तोड़ा। और मैं इतना खुश हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि 40% से 4% तक आ चुकी है रैगिंग। और ये these are big number surveys, ये नहीं कि 2-4 लोगों से पूछ के, लाखों स्टूडेंट्स। इट्स अ बिग सर्वे यार, आप बोल रहे लाखों लोगों का कर रहे हैं। एंड सिंस यही मुझे लगता है दिस इज द ओनली एनजीओ जो काम कर रहा है, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद बहुत काबिल तारीफ है सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अमन के साथ हुआ वो अब अमन के पिताजी किसी और के साथ नहीं होने देंगे, ये अमन जी के पिताजी का ध्येय है। मुझे ये बहुत खुशी होती है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया और आज हमने इतनी अच्छी आपने इंसाइट्स बताई। जाते जाते बस एक सवाल आपसे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को जो कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रैगिंग का अगर कुछ उनको फेस करना पड़े, उनके लिए कोई मैसेज, ताकि बच्चों को भी कुछ पता लगे, ताकि वो भी अपने एंड पे खत्म कर सके, अगर कुछ उनके साथ हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो मैसेज टू देम। बच्चों को तो डायरेक्ट ये नंबर कॉलेजेस पे लिखा है, तब वो भी रख सकते हैं याद, 1800 180 5522। वो एनोनिमस भी कर सकते हैं। कई बच्चे डरते हैं कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, कॉलेज क्या बोलेगा, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सीनियर क्या बोलेंगे, बट उनको बोल सकते हैं, वो एनोनिमस भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत मदद हो जाती है। कम से कम हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि आपके यहाँ सब सही नहीं है, जितना आप सोचते हैं उतना नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और हम अगर कोई बच्चा हमें बोलता है कि आप मेरा नाम मत दे दीजिए, वो किसी भी हाल में हम नहीं देते हैं किसी को उसका फ़ोन या ईमेल या नाम, तो एनोनिमस भी बहुत बच्चे मदद कर सकते हैं, जस्ट इन्फॉर्म। और बाकी लोग जो बाईस्टैंडर्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है। पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल बोथ वेज। जो बच्चे रैगिंग करते हैं उनके पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व, उनके भी तो पेरेंट्स हैं। दे हैव टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन टू देम दिस इज नॉट ऑन, ये नहीं चल सकता है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज में भेजते हैं उनको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अगर आपके बच्चे सेंसिटिव हैं, आपको मालूम है मेरा बच्चा सेंसिटिव है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक इंसिडेंस आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है, और इसमें कोई शक ही नहीं है। इस पेरेंट्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है कि बी केयरफुल इन द बिगिनिंग। बिल्कुल सही बात है सर। लास्ट लाइन जो आपकी थी शायद वही हमारे इस वीडियो की सबसे मेन लाइन है कि एक इंसिडेंट उस बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल सकता है, बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी। बिल्कुल सर, पूरा फैमिली बर्बाद हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने अच्छे हमें स्टैटिस्टिक्स देखने को मिले कि इस देश में रैगिंग खत्म होती जा रही है। तो जैसे देश पोलियो फ्री बन रहा है, वैसे मुझे लगता है कि देश रैगिंग फ्री बनेगा बहुत जल्दी। डेफिनेटली वी कैन से 100% रैगिंग फ्री हो जाएगा। जिस उद्देश्य से आप लेके चल रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें समय दिया। दर्शकों को आपसे बहुत बहुत नॉलेज मिला है, और हम दुआ करते हैं और हम पूरी प्रार्थना करते हैं कि जो अमन के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू, नमस्ते।